नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ट्रेवलिशियन पर। और आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कैसे आप अपने एटीएम या डेबिट कार्ड से इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, या अपने एटीएम या डेबिट कार्ड से दूसरे देश में जाकर पैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए इंटरनेशनल डेबिट कार्ड। तो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड वो होता है जिसकी मदद से हम किसी भी दुनिया के कोने में जाकर पैसे निकाल सकते हैं और ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, सिंपल। और इंटरनेशनल डेबिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली अपने बैंक में जाना है, जिस बैंक में भी आपका अकाउंट हो। हर बैंक की इंटरनेशनल डेबिट कार्ड देता है अपना, आपका जिस बैंक में भी अकाउंट हो आपको वहां जाकर बोलना है कि भाई मुझे इंटरनेशनल डेबिट कार्ड चाहिए, और वो आपको इंटरनेशनल डेबिट कार्ड दे देंगे। और मैं इस वीडियो में आपको ये रिकमेंड करने वाला हूं कि आप SBI का ही इंटरनेशनल डेबिट कार्ड लें। मेरा उसको लेके भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, और उसके जो चार्जेस, मेन बात है जो चार्जेस हम जब ट्रांजेक्शन करते हैं दूसरी कंट्री में जाकर उस कार्ड से, तो वो जो पैसे उस समय जो कटते हैं वो उसका रेट बहुत कम है और कार्ड के कंपैरिजन में। तो इसलिए मैं अपनी वीडियो में सबसे पहले SBI के इंटरनेशनल डेबिट कार्ड की ही बात करने वाला हूं। तो चलिए मैं आपको अपने SBI के डेबिट कार्ड दिखाता हूँ, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड। तो ये देख सकते हैं, ऐसा होता है SBI का जो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है, उसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लोबल लिखा है, ग्लोबल लिखा होता है इसमें। तो जो भी SBI का इंटरनेशनल डेबिट कार्ड होगा उसमें ग्लोबल जरूर होगा। और नीचे आप सोचेंगे वीजा, वीजा से ये होता है, वीजा तो मास्टर कार्ड का यही मतलब होता है कि वो कार्ड आपका इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। आपके कार्ड में अगर यहाँ वीजा लिखा है या फिर मास्टर लिखा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब आपका कार्ड वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। और हाँ, बट अगर एक बात मैं और जरूरी बता दूं, अगर आपके कार्ड में यहाँ रूपे लिखा है तो ये बात याद रखिए, रूपे कार्ड वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल नहीं होते। रुपे कार्ड से आप कहीं भी फॉरेन कंट्री में पेमेंट नहीं कर सकते, ना आप उससे पैसे निकाल सकते हैं, ये बात जरूर ध्यान रखें। और सेकंड नंबर पे मैं बात करने वाला हूं बैंक ऑफ बड़ौदा के डेबिट कार्ड की। आपको मैं दिखाता हूं, ये है बैंक ऑफ बड़ौदा का मेरा डेबिट कार्ड। आप देख सकते हैं इस पे यहां प्लैटिनम लिखा है, प्लैटिनम प्लैटिनम। तो इंटरनेशनल कार्ड भी लिखा है नीचे, आप देख सकते हैं इंटरनेशनल कार्ड। तो ये इससे भी मैं इंटरनेशनली निकाल सकता हूँ। और प्लैटिनम का मतलब ये है यहाँ पे कि प्लैटिनम की जो लिमिट है वो ज्यादा होती है। प्लैटिनम से हम दिन में 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं, और 1 लाख रुपए तक की हम शॉपिंग भी कर सकते हैं। और जिस कार्ड प्लैटिनम नहीं होगा, ये नहीं कि उसका मतलब जिस पे प्लैटिनम नहीं है हम उससे इंटरनेशनल पैसे नहीं निकाल सकते, उससे भी निकाल सकते हैं, वीजा और मास्टर कार्ड से भी निकाल सकते हैं। और इस प्लैटिनम से ये होता है कि उसकी लिमिट ज्यादा होती है और उसके चार्जेस भी ज्यादा होते हैं। यदि आप प्लैटिनम से पैसा निकालेंगे किसी भी बैंक अकाउंट से, मैं बड़ौदा की यहाँ बात करने जा रहा हूँ, तो मेरा चार्जेस पड़ता है पर ट्रांजेक्शन 450 पड़ता है। अगर मैं प्लैटिनम से पैसा निकालता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा के इंटरनेशनल डेबिट कार्ड से किसी भी कंट्री में, तो पर ट्रांजेक्शन मुझे देने होंगे 450 रुपए। और अगर मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के सिंपल बिना प्लैटिनम वाला जो कार्ड है इसका मेरे पास, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, जो प्लैटिनम नहीं है, बैंक ऑफ बड़ौदा का मेरा सिंपल देख सकते हैं आप, वीजा कार्ड है इसमें, यहाँ पे वीजा लिखा है बैंक ऑफ बड़ौदा का है। तो इससे जो मैं निकालूंगा जब पैसे, तो इससे मेरे कम चार्जेस कटेंगे एज कम्पेयर टू मैं प्लैटिनम से, तो इस पे मेरे कटेंगे। और इस पे मेरी लिमिट भी कम है, इस पे वैसे 50,000 तक ही निकाल सकता हूँ दिन में, और 50,000 तक की शॉपिंग कर सकता हूँ। और प्लैटिनम कार्ड से मैं 1 लाख तक निकाल सकता हूँ, 1 लाख तक शॉपिंग कर सकता हूँ। लेकिन रेट जो सबसे अच्छे हैं वो SBI ही देता है अपने, SBI का जो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है, इसीलिए मैंने ले रखा है। और SBI का जो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है उसका जो चार्ज है वो सबसे कम है, सबसे बड़ी बात तो बस यही है कि उसका चार्जेस कम है। हाँ, उससे भी हम 50,000 तक ही निकाल सकते हैं, लेकिन उसका वो काटता है 250 लमसम, और ये सब प्लैटिनम कार्ड काटता है बैंक ऑफ बड़ौदा का 450 पर ट्रांजेक्शन, और वो काटता है 250 पर ट्रांजेक्शन स्टेट बैंक का कार्ड। तो आप खुद ही डिफरेंस देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और मैंने आज ये वीडियो आपके इसीलिए बनाई कि मैं जानकारी दे दूं, अगर आप विदेश जा रहे हैं तो आपको ज्यादा करेंसी कैरी करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट, कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो पैसे निकालने से बचें, एटीएम मशीन से पैसे ना निकालें, भले आपके पास इंटरनेशनल कार्ड है, आप उसका इस्तेमाल स्वाइप करके पेमेंट करने में करें। अगर आप स्वाइप करके पेमेंट करेंगे तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा, बट अगर आप एटीएम मशीन के थ्रू पैसा निकालेंगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस बैंक आपका डिटेक्ट करेगा, वो ऑटोमेटिकली बैंक आपका डिटेक्ट कर लेगा। तो इसलिए स्वाइप करके पेमेंट करें। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
और बेल आइकन दबाएं मेरी अगली वीडियो के लिए। धन्यवाद।